ग्रीटिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई चैनल इन 11th क्लास अकाउंटेंसी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली स्टेट हाउ द कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड ए लेजर। कि हमें जो है शो करना है कि कैश बुक जो है जर्नल भी कभी वर्क हो जाता है, कैश बुक जब मेंटेन करते हैं और लेजर का भी। इट मीन्स कैश बुक दोनों का वर्क जो है कंप्लीट करती है, दोनों मीन्स इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। कैसे? द आंसर इज ए कैश बुक फंक्शन इज ए जर्नल बिकॉज इट इज द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड जस्ट लाइक ए जर्नल। राइट, मीन्स कैश बुक क्या है, जर्नल का फंक्शन पूरा करती है, क्योंकि जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में, इसलिए कैश बुक को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। राइट, नाउ एंड इट फंक्शन एज ए लेजर एज इट रिकॉर्ड द क्रेडिट एंड डेबिट कैश ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंपनी विदाउट द नीड फॉर ए सेपरेट कैश अकाउंट। कि व्हेन वी मेंटेन कैश बुक नो नीड टू ओपन कैश अकाउंट इन लेजर। इट मीन्स कैश बुक शो द फंक्शन ऑफ लेजर ऑल्सो। राइट, कि बोथ कैश बुक जो है जर्नल और लेजर दोनों का वर्क करती है। जर्नल क्योंकि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का काम होता है और फर्स्ट टाइम जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ जर्नल में नोट कर देंगे, और जब ट्रांजेक्शन कैश बुक में नोट कर दिया हमें कैश अकाउंट लेजर में नहीं मेंटेन करना होता, तो इसलिए ये लेजर का भी मींस बुक ऑफ फाइनल एंट्री का फंक्शन भी परफॉर्म करती है, दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का क्या पर्पज है? कॉन्ट्रा एंट्री आर दोज एंट्री दैट इम्पैक्ट बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड इन अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। मींस कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड पर, जो कैश बुक की डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी नोट की जाती है। राइट, कि कॉन्ट्रा एंट्री के टू हमने लिए थे एग्जाम्पल, कैश जो है डिपॉजिट इन द बैंक एंड कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। राइट, इफ ए डेबिट एंट्री इज रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट ए सिमिलर क्रेडिट एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड। इट्स पर्पज इज टू इंडिकेट ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट बोथ कैश एज वेल एज बैंक बैलेंस। डबल एंट्री के जो है रूल्स को यही पूरा कर लेता है, इसलिए जो LF कॉलम में जो सी नोट किया जाता है। दीज ट्रांजेक्शन हैव नो इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंड आर डिनोटेड बाय द लेटर सी इन द LF कॉलम। और टू एग्जाम्पल अगर जो है क्वेश्चन में पूछे जाए कॉन्ट्रा एंट्री की, डिपॉजिट इन टू बैंक, विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। राइट, दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों जो है कैश बुक की दोनों साइड पर नोट होती है। राइट, जो LF का कॉलम होगा उसमें सी राइट किया जाता है क्योंकि डबल एंट्री यहीं हो जाती है। राइट, इसका कोई इम्पैक्ट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर नहीं पड़ता। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर स्पेशल पर्पज बुक। स्पेशल पर्पज बुक क्या है? सब्सिडरी बुक रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन आर नोन एज स्पेशल पर्पज बुक। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी लार्ज इन नंबर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड देम ऑल इन ए सिंगल जर्नल, हैंस सब डिवाइडेड जर्नल मेक द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्विक एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। कि सब्सिडरी बुक क्या है, कि जब बिजनेस हमारे लार्ज साइज में होता है, हमारा बिजनेस जो है साइज लार्ज है, तो हम अगर सारी रिकॉर्डिंग जो है ट्रांजेक्शन की अगर एक सिंगल बुक जिसको हम जर्नल बोलते हैं उसमें करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा रिकॉर्ड करना। राइट, तो हम क्या करते हैं, हम एक सब्सिडरी बुक साथ में बना लेते हैं। सब्सिडरी बुक मीन्स अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में ज़्यादा होते हैं तो कैश बुक रख लेते हैं। राइट,
क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स ऑफ बुक के लिए क्रेडिट सेल्स ऑफ के गुड्स के लिए और रखेंगे हम सेल्स बुक। इसी तरह से परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक और लास्ट में जर्नल प्रॉपर, कि इस तरह से हम जो है स्पेशल पर्पज बुक रखते हैं और वो हमारे स्पेशल पर्पज को कवर करती है। मीन्स जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो बुक रखी गई है उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन उस बुक में राइट करेंगे, तो और फिर जो उनका टोटल होगा वो सीधा हम लेजर में राइट करेंगे। एक एक्सेप्शन है कि कैश अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे अगर कैश बुक जो हमने मेंटेन की हुई है तो, राइट। सब डिवाइड करने पर जर्नल में क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड करनी जो है ईजिली हो जाएंगी, क्विकली रिकॉर्ड होंगी, एक्यूरेट होंगी और एफिशिएंट होंगी। सम एग्जांपल आर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। कैश पेमेंट और रिसीप्ट के लिए कैश बुक, चाहे उसमें एसेट परचेज हो चाहे गुड्स परचेज हो, राइट। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। गॉट दिस? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। व्हाट इज पेटी कैश बुक, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? पेटी कैश बुक क्या है और कैसे बनाई जाती है? रिकॉर्डिंग रिपीटिव एक्सपेंसेज इन ए कैश बुक विल बर्डन द कैशियर, हेंस ए सेपरेट बुक इज क्रिएटेड वेयर पेटी एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड। एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेज आर स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज, कन्वीनियंस। द पेटी कैश बुक इज मेंटेन बाय द पेटी कैशियर, कि जो ट्रांजेक्शन जो रिपीटिव नेचर के होते हैं और बिजनेस में जो है बार बार होते हैं, तो क्या है अगर हम उन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो एक कैशियर के ऊपर जो कि कैश बुक मेंटेन कर रहा है बर्डन हो जाएगा। कैश बुक टू लकी मीन्स बहुत लेंथी हो जाएगी। सेपरेट बुक बना ली जाती है पेटी कैश बुक, उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं इस टाइप के स्मॉल एक्सपेंसेज या रिपीटिव नेचर के स्मॉल एक्सपेंसेज। एग्जाम्पल जैसे स्टेशनरी का एक्सपेंसेज, रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज एटसेट्रा। और जो पेटी कैश बुक मेंटेन करता है उसी को हम बोलते हैं पेटी कैशियर। प्रिपेशन इज मोस्टली डन बाय इम्प्रेस सिस्टम, कि पेटी कैश बुक के अंदर जो हम ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं वो इम्प्रेस सिस्टम पे रिकॉर्ड करते हैं। इट इज मोर कन्वीनियंट इन दिस सिस्टम। पेटी कैशियर इज गिवन ए प्री डिफाइंड सम ऑफ मनी फॉर ए पीरियड। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पेटी कैशियर को मेन कैशियर के द्वारा स्टार्टिंग में एक अमाउंट दे दी जाती है, लार्ज अमाउंट नहीं होती बट फिर भी अकॉर्डिंग टू बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग होती है, राइट। कि अगर बिजनेस में ज़्यादा एक्सपेंसेज हैं पेटी तो अमाउंट लार्ज होगी, मे बी 5,000, 10,000, बट स्मॉल बिजनेस है तो मे बी 2,000 भी हो सकती है, राइट, और उससे भी स्मॉल है तो 1,000 भी हो सकती है। और फिर क्या होता है कि एंड में जो उस पीरियड के एंड में जितने जो अमाउंट स्पेंड की जाती है पेटी कैशियर के द्वारा वो रिबर्स्ड कर दी जाती है। रिबर्स किसके द्वारा की जाएगी? कैशियर मेन के द्वारा, मेन कैशियर के द्वारा। और फिर क्या है, रिबर्समेंट करने के बाद सेम अमाउंट जो नेक्स्ट पीरियड के लिए वही सेम बैलेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमाउंट स्टार्टिंग में दी गई 2,000 रुपीज, राइट, और 1,800 जो एक्सपेंसेस किए गए पेटी कैशियर के द्वारा, तो 200 इज रिमेनिंग। 1,800 फिर से जो मेन कैशियर पेटी कैशियर को दे देंगे और जिससे कि बैलेंस फिर से 2,000 हो जाएगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री? पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री का क्या मीनिंग है? इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू द रिस्पेक्टिव लेजर। पोस्टिंग हम लेजर में जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उनमें राइट अप करने के लिए पोस्टिंग वर्ड का यूज करते हैं। ईच ट्रांजेक्शन गेट्स रिकॉर्डेड इन ए जर्नल एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू दे रिस्पेक्टिव लेजर, राइट, कि पहले जर्नल में एंट्री होगी और फिर उससे रिलेटेड जो भी उनके लेजर में अकाउंट होंगे उसमें पोस्टिंग कर दी जाएगी, राइट। नाउ कम टू द सिक्स्थ।
डिफाइन द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग ए सब्सिडरी जर्नल, कि सब्सिडरी जर्नल बनाने का क्या पर्पज है उसे डिफाइन करना है, राइट। मैनी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो कि रिपीटिव नेचर के होते हैं, ड्यू टू दिस रीजन ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ सिमिलर इन नेचर आर रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल, और स्पेशल जर्नल ऑल्सो नोन एज डे बुक, सब्सिडरी जर्नल और जो बुक ऑफ सब्सिडरीज, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑल्सो। मेंटेनिंग ए सब्सिडरी जर्नल हेल्प एज द फॉलोइंग बेनिफिट। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग इज फास्टर एंड टाइम सेविंग, कि जब हम एक एक सेपरेट बुक सभी को दे देंगे मेंटेन करने के लिए, तो हर जो है एम्प्लॉय होगा अपनी बुक मेंटेन करने के लिए जो है फोकस करेगा, और एक ही समय में सभी बुक्स में एंट्री हो जाएंगी, तो रिकॉर्डिंग क्या होगी, फास्टर होगी, टाइम सेव होगा। रिकॉर्डिंग आर इजली असेसिबल, रिकॉर्ड्स आप इजली असेसिबल मीन्स आपको टाइमली मिल जाएंगे। प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स जो एम्प्लॉय जिस वर्क को करने के लिए स्पेशल उसको नॉलेज है उसको वही वर्क दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ एम्प्लॉयज है जो रिकॉर्ड करने में मीन्स कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में जो है स्पेशलाइजेशन है उसे, तो उसे कैश बुक दे देंगे बनाने को, राइट। इसी टाइप से परचेज बुक उसको देंगे जो परचेजेस की नॉलेज हो जिसको, तो इस टाइप से डिवीजन हो जाएगा लेबर का, और इससे क्या होगा स्पेशलाइजेशन भी आएगी, वर्क में एफिशिएंसी आएगी, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, कि रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस करने से पहले आपको रिटर्न इनवर्ड का और रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न। नाउ फर्स्ट द डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, गुड्स रिटर्न टू बिजनेस बाय देयर कस्टमर, अगर सेल्स रिटर्न है तो इसमें बिजनेस के पास गुड्स आएंगी कस्टमर से, राइट। मीन्स जो क्रेडिट सेल्स की गई है वो गुड्स वापस आएंगी बिजनेस में वापस, और रिटर्न आउटवर्ड में गुड्स परचेज बाय बिजनेसेस आर रिटर्न टू दी सप्लायर, कि बिजनेस ने जो गुड परचेज कर रही है रखी है उनको सप्लायर को वापस किया जाएगा। नाउ कम टू द बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न एज ए डेबिट बैलेंस, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा, और रिटर्न आउटवर्ड हैज क्रेडिट बैलेंस मींस जो है परचेज का अपोजिट। नाउ कम टू द थर्ड ट्रीटमेंट, कि सेल्स जो रिटर्न होती है उसको डिडक्ट कर दिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल्स नोट करते हैं, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को डिडक्ट करके नोट किया जाता है। परचेज रिटर्न है जो रिटर्न आउटवर्ड वो परचेज में से डिडक्ट होती है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में नोट होती है, और सेल्स जो है रिटर्न इनवर्ड है वो सेल्स में से जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में होता है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द इशूड, एक क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, कि जो सेलर होता है वो क्रेडिट नोट तैयार करता है जब उसके पास गुड्स वापस आती है, और परचेजर जो होता है एक डेबिट नोट तैयार करता है, परचेज मीन्स बायर के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, राइट, जब वो गुड्स वापस करता है कि मैंने इतनी गुड्स जो रिटर्न कर रहा हूँ इससे जो मेरा अकाउंट परचेजेज के केस में डेबिट होता है तो रिटर्न के केस में क्रेडिट होगा, राइट, मीन्स मेरा अकाउंट क्रेडिट कर दो। रिडक्शन, रिड्यूस द पेमेंट फ्रॉम द डेटर, कि अगर गुड्स वापस आ जाती हैं कस्टमर से तो उसकी जो पेमेंट आनी है डेटर से वो भी कम हो जाती है, और यहाँ पर रिड्यूसेस द पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स, कि जो क्रेडिटर को पेमेंट करनी है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट टर्म होता है टाइम पीरियड, या टर्म मीन्स जिसके अकॉर्डिंग उसको जाना जाता है, राइट। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न, और जो हम रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न, तो इट इज ऑल्सो नोन एज परचेज रिटर्न, राइट। तो यहाँ पर टर्म का मीनिंग है कि वो किस टर्म के अकॉर्डिंग जो है काउंट की जाती है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है सेकंड था जो है बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें हम इस टर्म्स को हमने किया था सेल्स
रिटर्न और परचेज रिटर्न टर्म में, राइट। नाउ क्वेश्चन टू द 8, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय लेजर फोलियो, कि जर्नल जब बनाते हैं तो एक लेजर फोलियो कॉलम नोट कर बनाते थे, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या समझते हैं आप इससे? द आंसर इज इट रेफर्स टू ए कॉलम इन द जर्नल वेयर द पेज नंबर ऑफ द लेजर बुक ऑन विच द रेलिवेंट अकाउंट अपीयर इज रिकॉर्डेड। इट इज ऑल्सो एब्रीवेटेड एज LF, कि लेजर फोलियो को जो हम शॉर्ट फॉर्म में LF नोट करते हैं। ये लेजर जो बुक का पेज नंबर होता है जिस पे उस जर्नल की एंट्री का जो लेजर मेंटेन किया गया है, जो जर्नल एंट्री है उससे रेलिवेंट जो अकाउंट है लेजर में जो बनाया गया है उसका पेज नंबर होता है, और शॉर्ट फॉर्म LF की फॉर्म में हम नोट करते हैं। हम कंप्लीट लेजर फोलियो टाइट करने की नीड नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड ए कैश डिस्काउंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। फर्स्ट कि ट्रेड डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द परचेजर ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, राइट। और कैश डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द परचेजर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। कि ट्रेड डिस्काउंट जब हम गुड्स परचेज करते हैं जो गुड्स का जो लिस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर जो मिलती है, और कैश डिस्काउंट सेलर देता है परचेजर को प्रॉम्प्ट पेमेंट करने पर, मीन्स जल्दी पेमेंट करने पर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट रिकॉर्डिंग इन कैश बुक इधर और डेबिट, कैश बुक में इधर ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड डिपेंडिंग ऑन डिस्काउंट प्रोवाइडेड और रिसीव। कि कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है या जो है अलाउ की गई है, अलाउ होगी तो डेबिट साइड में नोट होगी, अगर रिसीव्ड हुई है तो क्रेडिट होगी, राइट। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल कि डेबिट ऑल दी लॉसेज और एक्सपेंसेज, क्रेडिट ऑल दी इनकम और गेन्स। नाउ कम टू द थर्ड, पर्पज एनकरेज एंड इंक्रीज इन सेल्स। कि मेन पर्पज ट्रेड डिस्काउंट का क्या है, सेल्स को इंक्रीज करना, और कैश डिस्काउंट का मेन पर्पज एनकरेज ऑन टाइम पेमेंट, कि टाइमली पेमेंट हो जाए। टाइमली पेमेंट की हो सकता है कि इमिडिएटली हो, या फिर कुछ टाइम पीरियड जो सेलर बड़ी जो अमाउंट की गुड्स होती हैं मशीनरी है एटसेट्रा, तो उनके लिए एक टाइम लिमिट भी हो सकता है, उस टाइम लिमिट के अंदर हमें पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर जो है एनकरेज किया जाता है कस्टमर को कि वो टाइम पे पेमेंट कर दे, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, राइट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए लेजर फ्रॉम ए जर्नल। कि जर्नल से लेजर बनाना है तो क्या प्रोसेस फॉलो की जाएगी उसे राइट करना है। द प्रोसेस आर एज फॉलोज, द फॉलोइंग प्रोसेस डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ द लेजर फ्रॉम ए जर्नल। देन फर्स्ट स्टेप, लोकेट द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द लेजर एज एंटर इन द जर्नल। सबसे पहले जो आपने जिस भी जर्नल की एंट्री करनी है, राइट, लोकेट द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द लेजर, कि लेजर के अंदर जो है डेबिट करना है, राइट, या फिर क्रेडिट करना है। डेट वाइज एंट्री होगी, राइट। सबसे पहले अगर डेबिटेड इन द लेजर करना है तो डेट वाइज डेबिट साइड में उसे रिकॉर्ड कर देंगे, राइट। मेंशन द अकाउंट फॉर विच इज डेबिटेड इन द जर्नल रिटन इन द पर्टिकुलर कॉलम। जी अपोजिट पोस्टिंग होगी, पेज नंबर के लिए JF कॉलम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर लेजर का जो है उसमें जो है आप जर्नल में नोट करोगे, LF के नाम से होगा। एंटर द अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड, कि डेबिट साइड की एंट्री है तो अमाउंट भी डेबिट साइड में नोट होगा, और फॉर द क्रेडिट साइड फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर क्रेडिट द एंट्री। क्रेडिट साइड की एंट्री के लिए सेम प्रोसीजर अपोजिट हो जाएगा जो डेबिट से है, बस ओनली इसको क्रेडिट में नोट करना है, अमाउंट भी उधर चली जाएगी, कॉलम LF जो है JF भी सेम होगा, राइट। तो इस टाइप से अपोजिट पोस्टिंग की जाती है, जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हो उसका जो नेचर है अकॉर्डिंग टू नेचर,
कि एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, राइट, इनकम हमारी क्रेडिट होगी, कैपिटल अकाउंट का जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटी का क्रेडिट होगा, राइट, एसेट्स का डेबिट होगा। इस टाइप से लेजर में पोस्टिंग होती है। नाउ कम टू द 11th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इम्प्रेस्ड अमाउंट इन द पेटी कैश बुक। कि इम्प्रेस्ड अमाउंट जो कि पेटी कैश बुक में होती है उससे क्या समझते हो। एन इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ए डेफिनेट सम ऑफ मनी दैट इज प्रोवाइडेड टू ए पेटी कैशियर फॉर ए सर्टेन पीरियड विच कैन बी ए वीक और मंथ। रिम्बर्समेंट इज डन आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए न्यू साइकिल। कि इम्प्रेस्ड जो अमाउंट होती है स्टार्टिंग से ही मेन कैशियर जो पेटी कैशियर को देगा, एक डेफिनेट सम अमाउंट होती है, ये वीक के लिए हो सकती है, मंथ के लिए हो सकती है, फोर्टनाइट के लिए हो सकती है। जितने भी एक्सपेंसेज हो जाएंगे उस अमाउंट से ज़्यादा पेटी कैशियर जो है स्पेंड नहीं कर सकता, कम ही करने होंगे उसे। और जो है कम करने पर जितने अमाउंट जो उसने एक्सपेंस कर दिए उतनी रिबर्समेंट हो जाती है। रिबर्समेंट मेन कैशियर जो पेटी कैशियर को फिर उतने अमाउंट और दे देता है। और इसी तरह नेक्स्ट जो मंथ या वीक की जो है नेक्स्ट अमाउंट मेंटेन हो जाती है और इस तरह से न्यू साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है, राइट। कि 2000 में से जो स्टार्टिंग में दिए गए इम्प्रेस्ड अमाउंट थी 1800 एक्सपेंड हो गए तो 200 रिमेनिंग, तो 1800 की रिम्बर्समेंट हो जाएगी जो मेन कैशियर पेटी कैशियर को दे देंगे और फिर से 2000 की अमाउंट हो जाएगी जिससे कि नेक्स्ट साइकिल जो स्टार्ट होगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द लॉन्ग आंसर फॉर एनसीईआरटी अकाउंटेंसी सॉल्यूशंस, राइट, चैप्टर 4। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नीड फॉर ड्रॉइंग अप द स्पेशल पर्पज बुक। कि स्पेशल पर्पज बुक के क्या बेनिफिट हैं, क्यों जरूरत होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। द आंसर इज स्पेशल पर्पज बुक आर बेनिफिशियल इन फर्स्ट एक्यूरेसी। कि जब हम स्पेशल पर्पज बुक बनाते हैं तो हमें एक सिंगल बुक ही बनानी होती है, तो ईच ट्रांजेक्शन जो एक्यूरेटली नोट होता है एक्सपर्ट के द्वारा नोट किया जाएगा तो डिफेक्ट क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। एज ईच जर्नल इज मेंटेन मैनेज बाय ए डिफरेंट अकाउंटेंट हैविंग स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज इट इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस डिफेक्ट। सेकेंड पॉइंट एफिशिएंसी, कि इंक्रीज एफिशिएंसी बाय डिवाइडिंग द वर्कलोड। कि अकॉर्डिंग टू जब बुक वर्क जो है डिवीजन हो जाएगा और जिससे क्या है एफिशिएंसी आएगी वर्कर्स की वर्क में, ठीक है। कंसाइज डिस्क्रिप्शन द जनरल डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल ए रिकॉर्ड इन द परचेज जर्नल विल बी अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट दैट इट इज ए परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन। कि जब हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं वो सेम पर्पज जो होगा अब रिकॉर्ड करने का वो क्या होगा, कि जैसे हमने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जो रिकॉर्ड करनी है तो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स करना है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। मिनिमम पोस्टिंग मिनिमल पोस्टिंग मीन्स जो है वॉल्यूम जो हो जाएंगी पोस्टिंग की टोटल से है जो ईजली हो जाएगा क्योंकि जो ट्रांजेक्शन कम होंगे। फ्रॉड प्रिवेंशन एज रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट जर्नल आर असाइंड टू ए डिफरेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉड प्रिवेंशन इज प्रिवेंटेड। फ्रॉड नहीं होंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक जो है एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन को दी जाएगी मेंटेन करने के लिए और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। द लास्ट वन इज फास्टर प्रोसेस एज मल्टीपल बुक्स आर हैंडल्ड बाई मल्टीपल अकाउंटेंट्स द रिकॉर्डिंग वर्क मूव फास्टर। रिकॉर्डिंग जो काम अच्छे से होगा स्पीडली होगा क्योंकि अलग अलग बुक्स सब अलग अलग बना रहे हैं। अब मल्टीपल अकाउंटेंट होंगे तो बुक जो है रिकॉर्डिंग वर्क क्या होगा फास्टर होगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए कैश बुक एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक क्या है और टाइप्स भी हमें जो है एक्सप्लेन करनी है। कैश बुक ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट आर
रिकॉर्डेड। एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, इसमें कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट नोट होंगी, राइट। ऑल कैश डिपॉजिट्स और विड्रॉल जो इसमें डेट वाइज रिकॉर्डिंग होंगे, राइट। रिसीप्ट जो होगी डेबिट साइड में रिसीप्ट कॉलम में नोट होंगी और पेमेंट क्रेडिट साइड में पेमेंट कॉलम में होंगी, राइट। बैंक डिपॉजिट आर रिकॉर्डेड इन दी बैंक कॉलम एंड कैश डिपॉजिट आर रिकॉर्डेड इन दी कैश कॉलम, दोनों कॉलम होंगे अगर तब अलग अलग रिकॉर्डिंग होगी। चेक पेमेंट गेट्स रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड अंडर दी बैंक कॉलम एंड दिस सर्व एज ए प्रिंसिपल बुक, जर्नल बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, राइट। टाइप्स ऑफ कैश बुक, फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक। इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक ऑल रिकॉर्डिंग्स रिलेटेड टू कैश टेक प्लेस। इट इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंटेन ओनली कैश ट्रांजेक्शन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है बेस्ट होगी जो कि सारे ट्रांजेक्शन कैश करते हैं, राइट। इट कंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। नाउ नेक्स्ट इज डबल कॉलम कैश बुक, जिसको हम टू कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। डबल कॉलम कैश बुक ऑल्सो रेफर एट टू कॉलम कैश बुक। इट कंटेन टू कॉलम्स ऑन बोथ साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड डबल कॉलम होंगे, एक कैश अमाउंट के लिए और एक बैंक अमाउंट के लिए, दोनों साइड पर कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे कैश कॉलम में एंड थस फंक्शन एज ए कैश अकाउंट, वेयर एज बैंक कॉलम रिकॉर्ड्स ऑल बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन सच एज पेमेंट मेड बाय चेक एंड फंक्शन एज ए बैंक अकाउंट, कि बैंक पर जो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा और कैश पर रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। सम ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर द डबल कॉलम कैश बुक एज इट कंटेन्स बोथ कैश एंड बैंक कॉलम्स एंड थस इट इज ईजी टू मेंटेन इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग टू सेपरेट लेजर। टू सेपरेट लेजर बनाने के एक प्लेस पर क्या है, डबल कॉलम कैश बुक बना लो, क्योंकि जब कैश बुक बनाओगे आपको ना तो कैश अकाउंट ना ही बैंक अकाउंट लेजर में बनाना है, तो वर्क क्या होगा, ईजली हो जाएगा और कैश रिकॉर्ड भी अच्छे से होगा, राइट स्टूडेंट। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक डबल कॉलम, राइट। कि सेम कॉलम है डेबिट और क्रेडिट के, डेबिट साइड में जो है टू कॉलम कैश और बैंक, जब कैश रिसिप्ट होंगी तो कैश कॉलम में नोट करेंगे, जब बैंक फॉर्म में जो रिसिप्ट होंगी तो बैंक कॉलम में, और अपोजिट जब पेमेंट होंगी तो क्रेडिट साइड में। नाउ कम टू द थर्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज ए टाइप ऑफ कैश बुक दैट हैज प्रोविजन फॉर थ्री कॉलम्स विच आर कैश बैंक एंड डिस्काउंट। इट इज यूज बाय लार्ज फर्म्स दैट फ्रिक्वेंटली डील विद कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन एज वेल एज विच अलाउ कैश डिस्काउंट्स। द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इज सिमिलर टू ए डबल कॉलम कैश बुक। कैश और बैंक कॉलम्स आर पीरियडिकली टोटल्ड एंड बैलेंस वाइल द डिस्काउंट कॉलम इज टू ओनली टोटल्ड। डिस्काउंट अलाउ इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड वाइल डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर जो तीन कॉलम होते हैं, एक कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का, जो लार्ज फर्म होती है वो तीनों कॉलम मेंटेन करती हैं। जो कैश और बैंक कॉलम को बैलेंस किया जाता है बट डिस्काउंट कॉलम को कभी बैलेंस नहीं करते, उसको जो है एज इट इज जो है छोड़ देते हैं टोटल करके, राइट। और जो टोटल होगा उसको हम ऐसे एज इट इज छोड़ेंगे, और जो डिस्काउंट अलाउ होती है वो डेबिट साइड में नोट होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड होगी वो क्रेडिट साइड में नोट होगी। ये जो है बुक आपके जो सिलेबस में नहीं है, इसलिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में हमने जो है चैप्टर्स में भी नहीं रीड किया था, ये आपके सिलेबस से कट चुकी है, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज पेटी कैश बुक। ए कैश बुक दैट रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेज दैट आर स्मॉल एंड होल्ड लिटल वैल्यू इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू स्टैम्प्स स्टेशनरी पोस्टेज डेली वेजेस एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द पेटी कैश बुक। कि ये जो कैश बुक है इसमें सारे एक्सपेंसेज जो कि स्मॉल नेचर के होते हैं, स्मॉल अमाउंट के होते हैं और रिपीटिव नेचर वाले होते हैं, उनको नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प्स एक्सपेंसेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, डेली वेजेस, तो इनको हम पेटी कैश में बुक में जो रिकॉर्ड करते हैं,
तो यहाँ पर जो है आपकी कैश बुक फोर टाइप से जो शो की हुई है, लेकिन ट्रिपल कॉलम जो है आपकी कैश बुक आपकी जो सिलेबस में नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, हाउ कैन यू डील दिस एंट्री वाइल प्रिपेयरिंग ए डबल कॉलम कैश बुक। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, कैसे डील करोगे डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री को। द आंसर इज एन एंट्री दैट इज रिकॉर्डेड टू रिवर्स एन एंट्री ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिट इन टू बैंक और विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। ओपनिंग ए बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो आप इसको, डिपॉजिट इन टू बैंक को। वेन ए डेबिट एंट्री गेट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंट ए कॉन्ट्रा एंट्री विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड, राइट। सिमिलरली कॉन्ट्रा एंट्री विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड इफ एन एंट्री गेट्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। कि अगर कॉन्ट्रा का मीन्स क्या है कि जैसे बैंक में डिपॉजिट करवाई मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, जब टू कैश नोट करेंगे तो बैंक कॉलम में नोट करेंगे, जब बाय बैंक होगा तो कैश कॉलम में नोट करेंगे, राइट। और एल एफ कॉलम में क्या नोट करोगे, सी। दीज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डबल कॉलम कैश बुक। इस टाइप से देखो ये डिपॉजिट इनटू बैंक की एंट्री है जो कि कॉन्ट्रा है, एल एफ कॉलम में सी राइट किया हुआ है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज पेटी कैश बुक, राइट द एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है और उसके बेनिफिट्स बताने हैं आपको, राइट करने हैं। द फर्स्ट, व्हाट इज पेटी कैश बुक, द आंसर ऑफ रिकॉर्डिंग जो रिपीटिव एक्सपेंसेज इन ए कैश बुक विल बर्डन द कैशियर, हेंस ए सेपरेट बुक इज क्रिएटेड वेयर पेटी एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड। कि जब रिपीटिव नेचर के जो ट्रांजेक्शन हैं वो बार बार होते हैं, तो कैशियर अगर मेन कैशियर उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा तो कैश बुक जो है काफ़ी ब्लॉकी बन जाती है, इसलिए उन ट्रांजेक्शन को एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कैशियर के ऊपर बर्डन ना हो। और एग्जांपल स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज के जो एक्सपेंसेज जो कैशियर मेंटेन करता है पेटी कैश बुक, उसको हम पेटी कैशियर बोलते हैं, राइट। और प्रिपरेशन इज मोस्टली डन बाय इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग बनती है जो हमारी पेटी कैश बुक। मोर कन्वीनियंट मीन्स ईजी है बनानी, सिंपल जो क्लेरिकल लेवल का जो क्लर्क होता है इजिली मेंटेन कर सकता है। कि स्टार्टिंग में जो रिसिप्ट में जो अमाउंट होगी जो कि लेफ्ट साइड पर नोट होगी, वो जो है इम्प्रेस्ड अमाउंट जो मिली होगी उसे पेटी कैशियर को मेन कैशियर से वो नोट होगी। और फिर हर एड का जो कॉलम होगा और उसमें नोट किया जाएगा एक्सपेंसेज कि पोस्टर पे कितने हुए, स्टेशनरी पर कितने हुए, पेमेंट में नोट करते रहेंगे और अमाउंट पेड में उनका टोटल होगा। इस तरह से जो है हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक, सम आर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक आर फॉलोस। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, बाय डेलीगेटिंग द वर्क टू ए पेटी कैशियर द कैशियर इज एबल टू लुक इन टू दी अदर एस्पेक्ट ऑफ ए फर्म। कि जब इस टाइप से बुक का डिवीजन कर दिया जाता है तो वर्क क्या डिवाइड हो गया, पेटी कैशियर को क्या है अपना काम करना है, मेन कैशियर सिर्फ ओनली कैश बुक को देखेंगे। तो इस टाइप से कैशियर जो है दूसरे एस्पेक्ट जो फर्म के हैं उनको भी देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अवॉइड ब्लॉक की कैश बुक। कि जब कैश बुक जो पेटी कैश बुक बनाई जाएगी तो कैश बुक बनाने पर क्या होगा, स्मॉल एक्सपेंसेस जो है पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे, जिससे कि कैश बुक जो मेन है वो ब्लॉकी नहीं बनेगी। और अवॉइड हो जाएंगे कुछ ट्रांजेक्शन की अगर हम ब्लॉकी बनाएंगे तो इस टाइप से फ्रॉड अवॉइड हो जाएंगे, राइट। थर्ड, लेस एरर प्रोन, जो हमारी कैश बुक है अगर हम इस टाइप से जो है कैश बुक सेपरेट कैशियर मेंटेन कर रहा है और पेटी कैश बुक अलग जो कैशियर मेंटेन कर रहा है, तो इससे क्या होगा, एरर नहीं होंगी, क्योंकि कैशियर ने क्या है जो कैश बुक बनाई है उसका भी ऑडिट होना है, राइट। और कैशियर जो है पेटी कैश बुक को भी चेक करेगा कि वो एरर फ्री होनी चाहिए, राइट। तो इस टाइप से क्या होगा कि एरर जो है कम हो जाएंगी। और इजी इंपोस्टिंग, कि जब पेटी कैश बनाई जाएगी
पेटी कैश बुक जब बनाए जाएंगे तो टोटल जो होंगे एक्सपेंसेस उनकी एक ही बार पोस्टिंग हो जाएगी बाय सेंडरीज एज पर पेटी कैश बुक, और एक ही बार में नोट हो जाएंगे, तो हमें सारी ऐड के अकॉर्डिंग जो नोट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे एडवांटेजेज हैं जो है पेटी कैश बुक के। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ सब डिवाइडेड द जर्नल, कि जर्नल का जो सब डिविजन करना उसको क्या एडवांटेजेस है। मीन्स जर्नल बुक के साथ जब सब्सिडरीज बुक रखी जाएंगी बिजनेस में तो उनका क्या बेनिफिट है। सम डिवाइडेड द जर्नल एज द फॉलोइंग एडवांटेजेस, द फर्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी एज ईच अकाउंट इज हैंडल्ड बाय इंडिविजुअल अकाउंटेंट, कि हर अकाउंट जो है एक इंडिविजुअल अकाउंटेंट के द्वारा बनाई जाएगी। मीन्स हर बुक एक इंडिविजुअल अकाउंटेंट बनाएगा, तो वो क्या है उसके प्रति अकाउंटेबल होगा, राइट। मीन्स जो अकाउंट बनाएगा वो प्रॉपरली बनाएगा, फ्रॉड नहीं होंगे क्योंकि उसे पता है कि वो अकाउंटेबल है। सेकेंड, एक्यूरेसी, ईच अकाउंटेंट विल बी स्पेशलाइज्ड इन द वर्क असाइन टू देम, हेंस फ्यूअर चांसेस ऑफ एरर, कि जब स्पेशल जिसमें क्वालिफिकेशन है अगर किसी भी पर्सन को हम वही वर्क देते हैं तो चांसेस जो एरर के हो जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं, राइट। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है अगर आपको वही काम दे तो आप उसे बहुत अच्छे से करते हो, बट जिस वर्क में इंटरेस्ट नहीं होता और वो दे दिया जाए तो वो बर्डन लगेगा, और उसमें फिर बर्डन लगेगा तो मिस्टेक भी होंगे, राइट। स्टूडेंट, नाउ कम टू डिवीजन ऑफ लेबर, कि अकाउंट जो मेंटेन किए जाते हैं मींस बुक जो मेंटेन की जाती है सेपरेट अकाउंटेंट के द्वारा मेंटेन की जाती है, जो कि फास्टर रिकॉर्डिंग होती है जिससे, और पैरेलल रिकॉर्डिंग भी होती है। मीन्स सब अपनी अपनी बुक मेंटेन कर रहे हैं तो एक ही टाइम में सारी बुक्स में एंट्री हो रही है। और नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल, कि एज द डिवीजन ऑफ लेबर ब्रिंग्स इन स्पेशलाइजेशन द प्रोसेस बिकम एफिशिएंट एंड देयर बाय बिकम इकोनॉमिकल, जो प्रोसेस होती है एफिशिएंट भी होती है और इकोनॉमिकल भी होती है, मीन्स सस्ती भी हो जाएगी। इज ऑफ एड ऑडिट एंड एनालिसिस, कि ट्रांजेक्शन जो होंगी उनका ऑडिट भी होता है, और इस टाइप से जो ऑडिट जब करवाएंगे तो मिस्टेक जो होंगी कम मिलेंगी और ऑडिट जो है फॉर्मेलिटी ईजी हो जाती है। प्रोडक्टिविटी, एज द अकाउंटेंट गेन एक्सपर्टाइज इन हैंडलिंग द स्पेसिफिक अकाउंट इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, राइट। स्टूडेंट, नाउ कम टू द क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, कि बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट से आप क्या समझते हो। द अकाउंट इन द लेजर आर बैलेंस एट पीरियडिक इंटरवल्स ऑफ डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली और एनी अदर प्री डिटरमाइंड पीरियडिक इंटरवल्स। जो लेजर के अंदर अकाउंट बनते हैं वो बैलेंस किए जाते हैं, चाहे वो डेली किए जाते हो, चाहे वीकली, चाहे फोर्टनाइटली, मंथली, चाहे क्वार्टरली। फोर्टनाइटली मीन्स 14 डेज पे, क्वार्टरली मीन्स 3-3 मंथ्स पर, राइट। स्टूडेंट, द गोल ऑफ बैलेंसिंग इज टू डिटरमाइन द नेट पोजिशन ऑफ ईच अमाउंट, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट, कि नेट बैलेंस जानने के लिए हम जो बैलेंस करते हैं, और ये मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस करने का। फर्स्ट जो स्टेप है, द डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर टोटल, दोनों साइड का टोटल करते हैं, राइट। फिर देखा जाता है कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है, द टोटल ऑफ द साइड विच इज हायर इन रिटर्न ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, राइट। द डिफरेंस बिटवीन बोथ साइड इज रिकॉर्डेड ऑन द शॉर्टर साइड, जिस साइड का टोटल कम होता है डिफरेंस जो होता है उसे उस साइड पर नोट किया जाता है, जिससे क्या है दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं, राइट। इन केस ऑफ डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, कि जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड से तो उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और जो डिफरेंस होगा उसे हम क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे, राइट। स्टूडेंट, इफ द क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट साइड देन डिफरेंस इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड एंड दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, राइट। स्टूडेंट, द वर्ड बैलेंस सी डी आर रिटर्न अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, कि
डिफरेंस जो राइट किया जाएगा उसको हम बैलेंस सीडी के नाम से राइट करेंगे, राइट, और फिर कैरिड डाउन भी करेंगे। द अमाउंट ऑफ बैलेंस इज ब्रॉट डाउन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो है उनको फिर बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करेंगे और डिनोटेड विद बैलेंस बीडी। दिस इंडिकेट दैट इन ए कॉन्टिन्यू अकाउंट टिल फाइनली सेटल आर क्लोज्ड। और जो बैलेंस बीडी है वो स्टैंड करता है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन किया गया है, मीन्स ओपनिंग बैलेंस बन जाता है नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट जो है ईयर का, या क्वार्टरली बना रहे तो नेक्स्ट क्वार्टर का। द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेज, गेन, रिवेन्यू आर नॉट बैलेंस्ड, राइट स्टूडेंट। इट मीन्स जो बैलेंस किए जाएंगे अकाउंट्स वो केवल रियल और पर्सनल अकाउंट ही बैलेंस्ड होते हैं। नॉमिनल अकाउंट कभी बैलेंस नहीं करना। इंस्टेड दीज आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन अकाउंट को बैलेंस नहीं करना, बल्कि ये ट्रांसफर कहाँ किए जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट स्टूडेंट। दीज आर दी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ थ्योरी पोर्शन ऑफ शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ दी चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट स्टूडेंट। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन राइट इन दी कमेंट बॉक्स एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग फास्ट अपडेट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।